बुद्धि दें, ऐसा विवेक दें कि सभी लोग अपने इस कठिन रास्ते को बड़ी आसानी से पार करके और जल्दी से जल्दी लॉयन लीडर्स बने, ये ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस है टू ऑल माय लवली टीम। तो दोस्तों उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा हमारी टीम के उन लोगों को जो इंडोनेशिया कन्वेंशन विन किए हैं और जा रहे हैं, सबके पासपोर्ट्स जमा हो गए हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं। तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जो लोग हमारे साथ 14 और 15 तारीख की फ्लाइट से उड़ान भरने जा रहे हैं इंडोनेशिया के लिए, उन सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं बड़े गर्वान्वित हूँ कि हमारी टीम से 38 लोग 38 लीडर्स क्वालिफाई करके इंडोनेशिया जा रहे हैं और ये एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो भी सिल्वर लॉयन लीडर्स हैं उन लोगों को भी इस बार गाला डिनर प्रेसिडेंट ने अलाउ किया है, तो उन लोग को भी गाला डिनर को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जितने भी सिल्वर लाइन एंड एवब लीडर हैं, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर, सभी को गाला डिनर का अवसर मिलेगा। और जो लोग सिल्वर लाइन नहीं हुए हैं, ऐसे गाला डिनर तो गोल्ड लाइन पे मिलता है। लेकिन मैं यही कहूंगा दोस्त, एक ध्यान्स की एक रैंक पड़ाव है, अपने दिमाग में डाल लो कि हमें गोल्ड लाइन जाना है और पूरी लाइफ को बदलना है, और वहीं से रियल में लाइफ चेंज भी होती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को जिन लोगों ने इंडोनेशिया टूर को विन किया, अचीव किया और जा रहे हैं। जो नहीं कर पाए, एक्चुअल में ये टूर केवल स्टार 8 एंड अबव लीडर्स का था, तो 6-7 को नर्वस नहीं होना चाहिए। इसलिए नर्वस नहीं होना चाहिए कि ध्यान से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप पूरी जिंदगी टूर करेंगे, आपकी लाइफ में टूर से मन भर जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं कह पाता हूँ पिछले 15 सालों के अंदर, 15 साल 10 से 11 महीने हो गए हैं मेरे को, इस 15 साल 11 महीने में 52-53 कंट्री विदेश यात्राएं करके, अभी मेरा पासपोर्ट दिल्ली में ही पड़ा है, मलेशिया गया था, अभी फिर इंडोनेशिया जा रहा हूँ, इसके बाद दुबई जाऊंगा। और मतलब इतने टूर मिलेंगे कि आपका टूर से तबीयत भर जाएगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, केवल लगे रहना है, डटे रहना है। ध्यान से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि टूर की आपकी सभी मनोकामनाएं 100% यहाँ से पूरी हो। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं, बाकी आगे इंडोनेशिया दुबई का टूर है, और जैसे ही दुबई टूर खत्म होगा कंपनी फिर कोई ना कोई टूर, कुछ ना कुछ नई चीज आपके लिए, हमेशा ध्यान्स मैनेजमेंट कुछ ना कुछ नया परोसने देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो हम सभी को एकजुट होकर अपनी नॉलेज बढ़ाना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, अपने माइंड की जो थॉट प्रोसेस है उसको हमें अच्छा रखना है, और बड़ी से बड़ी सोचना है, बड़ी से बड़ी ऊंचाई को हासिल करना है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है, जो कि गोल सेटिंग डे है हमारा, और हम गोल सेटिंग डे में केवल माइंड को सेट करते हैं कि किस तरह से हम अपने गोल सेटिंग का दिन है, तो अपने माइंड में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है, और किस तरह से हमें काम करके अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव करना है। दोस्तों एजुकेशन का मतलब है कि कठिन से कठिन चीजों को हम बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बहुत आसान लगे, कितनी आसानी से वो हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज इस पूरी कायनात में आपको जिताने की जो है वो है आपके दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ड्राइव करना है, कैसे हमें बड़ी चीजें डालनी है, कैसे अपने ब्रेन की सही प्रोग्रामिंग करनी है कि वो सही काम करे और सही मंजिल तक हमें लेके जाए, ये बहुत बड़ी चीज माने रखती है दोस्तों। और सब कुछ इस दुनिया में जितनी भी चीजें दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड या किसी न किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड का खेल है।
जितने भी नए लोग जुड़े हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे इस सेशन को, और पुरानों को भी रिपीट करना है, क्योंकि सारी खेल आपकी कामयाबी का खेल आपके द्वारा मन में चल रहे विचारों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे विचार अपने मन में ला रहे हैं। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड आपका जितनी भी बड़ी कामयाबी है उसमें 90% रोल सबकॉन्शियस माइंड का होता है, 10% रोल कॉन्शियस माइंड का होता है। दिमाग के दो भाग होते हैं, ये मैं बार बार बताता हूँ दिखाता हूँ। हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करने का तरीका सीखिए, और इस एक बुक में लिखा हुआ है ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर, व्हाट इनपुट यू गिव इट प्रोसेस एंड गिव यू आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट। जो आप इनपुट डालते हैं उसी के बेस करके आपको ये वापस कर देता है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है दोस्तों, इसलिए इसमें कभी भी निगेटिव मत सोचो, छोटा मत सोचो, ना होने वाली चीजें मत सोचो, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, और ये सोचो कि अगर एक व्यक्ति ने भी किया है तो मैं भी करूंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती है। दोस्तों अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू करें और उसे अपने सपनों का आदेश दें कि मुझको टियांस का गोल्ड लाइन जाना है, मुझको टियांस का ऑनरेरी डायरेक्टर बनना है, ये उसको ऑर्डर करना सीखो आप। होता क्या है, जितने भी कम कामयाब और असफल लोग होते हैं वो अपने मन से ये बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों उसी में से एक व्यक्ति जो बोलता है मैं कर डालूंगा, अगर एक भी व्यक्ति ने किया है तो मैं कर डालूंगा। जैसे अगर मैं अपनी बात आपको शेयर करूं, मैंने हमेशा ये सोचा था कि अगर दुनिया का एक व्यक्ति भी जो कामयाबी ले सकता है उसको मैं हर हाल में अचीव कर सकता हूं। ये सोच आज हमको दोस्तों इस एक्सट्रीम ऊंचाई पे लेके गई है। अपने अवचेतन मन के साथ ना तो नकारात्मक सोचे और ना ही कुछ नकारात्मक कहें, अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। यदि आप किसी भी विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे कर डालता है। ये बहुत बड़ी पावरफुल है, और अवचेतन मन दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, बंगला, तमिल कोई भाषा नहीं समझता। अवचेतन मन आपके मन में चल रहे विचारों की भाषा को समझता है। आप बड़ा सोच रहे, छोटा सोच रहे, नेगेटिव सोच रहे, पॉजिटिव सोच रहे, केवल वो भाषा अवचेतन मन समझता है जो आपके मन के में विचारों में चल रहे होते हैं। तो इसलिए हमेशा विचारों में बड़ा सोचो, बड़ा करो। यदि आप किसी भी बार विचार को बार बार दोहराते हैं, हमने अपनी पूरी टीम को एक नारा दिया है, गो एचडी, गो एचडी, गो एचडी। हम दिन भर लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी गो एचडी का नारा दे रहे हैं, और दोस्तों आने वाले समय में आप देखना कितने एचडी बन जाएंगे। और ये इतनी बड़ी चीज थी एचडी बनना जिसके लिए कोई सोच नहीं पाता था। तो ये एजुकेशन और ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है कि हम बार बार दोहरा रहे हैं और वो चीज आप सबको हासिल हो रही है। तो अपने को हमेशा बार बार पॉजिटिव और बड़ी चीजें रिपीट करना है। सोने से पहले अवचेतन मन का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय होता है। जब आप सोने जाते हैं तो आपके मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, निगेटिव उठ रहे हैं या पॉजिटिव उठ रहे हैं? अगर निगेटिव विचार उठ रहे हैं तो उसको लात मारने की कला को सीखो। एक लीडर निगेटिव विचारधाराओं को लात मारता है और पॉजिटिव विचारधाराओं को अपने मन में, अपने दिमाग में डाल लेता है, और इसी वजह से वो तमाम बाधाओं, तमाम विषम परिस्थितियों को झेलते पार करते हुए एचडी बनता है। तो दोस्तों अपने अवचेतन मन को रात में सबसे बेस्ट टाइम होता है यूज करने का, उस समय केवल बड़ा सोचो। हर रोज अपनी सफलता की कल्पना शुरू करो। दोस्तों अवचेतन मन को यूज करने का मैं बहुत इजी तरीका आपको बता रहा हूं। जब आप सोने जाओ, दिन भर क्या हुआ है ये मत विचार में लाओ, कितने लोगों ने ना किया है ये मत विचार में लाओ, कल के बारे में सोचो कि कल मैं जिससे भी मिलूंगा वो बहुत अच्छा व्यक्ति मिलेगा, और वो व्यक्ति हमारा गोल्ड लाइन जाएगा, मेरे को अचीव कराएगा, मैं 8 स्टार बन गया हूं, मैं गोल्ड लाइन बन गया हूं, मैं डायरेक्टर बन गया हूं, मैं कार अचीवर बन गया हूं, मंच पे मैं मीटिंग ले रहा हूं, मंच पे मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे को चाइना में सम्मानित किया जा रहा है। इस तरह के इमेजिनेशन आपके मन में रात सोते समय आने चाहिए। कभी भी निगेटिव विचारधाराओं को लेके मत सो,
नहीं तो अवचेतन मन वही कराएगा जिन विचारधाराओं को लेकर के आप सो जाते हो। बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, सपने कभी भी दोस्तों आसान नहीं होते, वे हमेशा दर्दनाक और कठिन होते हैं। हम इतना बड़ा सपना देख रहे हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए की इनकम आएगी महीने की, क्या ये छोटा सपना है? बहुत बड़ा सपना है। क्या इस सपने को पूरा करने के लिए जो हमें दर्द मिलेगा उसको मैं झेल पा रहा हूं? मैं पूरे दिन अभी मीटिंग करके इतनी हाई, मतलब बहुत कम टाइम था, मैं टाइम पे आकर के अपने सेशन को स्टार्ट किया, मतलब सुबह से मेरा ना लंच हुआ ना कुछ हुआ। चाहे किसी भी लेवल पे है, आपको दर्द सहने की क्षमता करनी पड़ेगी। सपने आसान नहीं होते दोस्तों, अगर आसान होते तो सारे लोग अचीव करते। अचीव वही करता है जो सपनों के दर्द को, सपने को प्राप्त करने के लिए जो दर्द होते हैं, उस दर्द को जो लीडर झेलने के लिए तैयार होता है, वही सपनों को पा पाता है। नहीं तो लोग एवरेज और नॉर्मल लाइफ जी करके दुनिया से चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं जानता। आपको दर्द सहन करने के लिए तैयार रहना होगा। वो मत सोचो जो तुम अभी हो, वो सोचो जो तुम्हें बनना है। मैं बार बार कहता हूं और चेतन मन की इस कला को कि आज आप किस हालत में है मत सोचिए, आपको क्या बनना है, कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी ड्राइव करनी है, किस कंपनी की कार को लेना है, कैसे बंगला में रहना है, कैसे जगह अपने बच्चों का एजुकेशन कराना है, उन चीजों को सोचो कि मेरा बेटा फॉरेन जाके पढ़ेगा, मेरा बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, हम एक अच्छी कार से घूमेंगे, एक अच्छे आलीशान बंगले में रहेंगे। इन चीजों को हमेशा सोचो दोस्तों। ये अवचेतन मन को राइट प्रोग्रामिंग, राइट ड्राइविंग करने का सबसे आसान तरीका है कि आप हमेशा बड़ा सोचो। वाई एवरेज पर्सन कैन नॉट यूज सबकॉन्शियस माइंड। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि एवरेज व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अब ब्रिंगिंग इन नेगेटिव एनवायरनमेंट, उसका लालन पालन पोषण नेगेटिव एनवायरनमेंट में हुआ है, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव बात बोलता है। सोसाइटी टीच यू टू थिंक स्मॉल एंड लिमिटेड। समाज हमें सिखाता है बेटा उतने सोचो, उतने पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला है पैर फैलाते जाओ चादर बढ़ती जाएगी, पैर फैलाते जाओ चादर बढ़ती जाएगी। मत घबराओ, पुरानी चीजें और पुराने लोगों के विचारों पर अगर आपने काम किया तो आपके हालात बिगड़ते जाएंगे। हमेशा न्यू। इस पे मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। राइट ब्रदर्स ने विज्ञान की सभी सीमाओं को लात मारा। राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज का निर्माण किया था, पूरा विज्ञान, पूरा लोग, पूरा समाज कहते थे पागल हो गया, लोहे को आसमान में उड़ाएगा। उसने सबको लात में मारा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में था कि मैं जहाज बना के उड़ा लूंगा, और दोस्तों उसने जहाज बना के उड़ाया। आज हमारे और आपके लिए पूरे विश्व का सफर कितना आसान हो गया है। हम पूरी दुनिया भ्रमण कर डालते हैं, यहाँ से कहाँ, लंदन कहाँ, पेरिस, फ्रांस, इटली, कनाडा, पूरी दुनिया हम जाते हैं हवाई जहाज से, चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। अगर उस व्यक्ति ने आउट ऑफ वे जाके नहीं सोचा होता तो क्या हवाई जहाज का निर्माण होता? नहीं होता। उसी तरह से अगर आप भी आउट ऑफ वे जाकर के सोचने की क्षमता नहीं बनाएंगे तो जीवन में बड़ा कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में बड़ा कुछ पाना है तो आउट ऑफ वे जाके सोचना पड़ेगा। तो दोस्त, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्दी? वेल्थ हैव एनफ मनी एंड एनफ टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू व्हेन यू वांट टू डू। दोस्तों, संपन्न व्यक्ति का क्या अर्थ होता है? संपन्न व्यक्ति का अर्थ होता है जो आप खरीदना चाहो, आपके पास पर्याप्त पैसा हो, खूब पर्याप्त घूमने के लिए टाइम।